अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आई मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई चिकन, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लास्ट सब्सक्राइब का बटन दबाइए, पास वाली बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। यहाँ मैं आधा किलो चिकन विद बोन ली हूँ, एक चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, एक चम्मच दही, दो चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम, आधा चम्मच भुना हुआ दरदरा जीरा पाउडर, आधा चम्मच कूटा हुआ धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 5 मीडियम साइज के टमाटर हमें इस तरह से कट करके लेना है, 1 वाटी ऑयल। यहाँ मैं एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखी हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को हम 10 मिनट तक गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे। चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें को ऑयल निकाल के लेंगे। इसमें हमें सिर्फ थोड़ा ही ऑयल रखना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टमाटर को अच्छी तरह से पका के लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका के लेंगे। टमाटर के ऊपर के छिलके को हमें निकाल के लेना है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, टमाटर को हम चम्मच से स्मैश करेंगे। अब हम 2 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके डालेंगे, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून के लेंगे। इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून के लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया पाउडर, कुटा हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें दही, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कढ़ाई चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, इसे हम हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसकी फ्लेम बंद करेंगे। कढ़ाई चिकन हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह ये खाने में बहुत ही लजीज लगता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।